This is of 5 AM in the morning. Looks like 29th of May 2024. आने वाले एक डेढ़ महीनों में हम लोग इस जगह को बोलते हैं ना हमेशा के लिए बाय कर देंगे. या प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन वी आर सीइंग दिस ऑल दिस सीन्स. और वापस आएंगे भी तो ऐसा वो नहीं रहेगा, बोलते हैं ना ऐसी वाली वाइब नहीं रहेगी. लास्ट ईयर 2024 क्रॉक के रिजल्ट के रात के बाद, मतलब रात की तो हमारे बाकी के सारे लोग आ चुके हैं. जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, अभी 7:30 बजे हैं सुबह के और मैं बस कॉफी पी के जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी. दोस्त लोग जाएंगे, उनका पेपर है. लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर. सो दिस इज हाउ द मॉर्निंग ऑफ 21 मई 2024 लुक्स लाइक. सो हाय गाइस, अभी वापस आया हूँ मैं. राइट नाउ इट्स 11:27 PM इन द आफ्टरनून. पेपर आज का आसान आया था एज एक्सपेक्टेड. लास्ट ऐसा हमारे साथ ना हो इसलिए हम प्रिपेयर करेंगे. अभी तो एक क्रोकोलॉजी का क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद में अपने नोट्स रिवाइज करते हैं. ये देखो नोट्स यू वांट टू सी, दिस इज़ हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड आवर नोट्स. वेरी इंपॉर्टेंट MCQs जो मैं गलत करता हूँ वो सारे मैंने लिख रखे हैं. सो अभी क्रोकोलॉजी से पहले मुझे एक चीज़ याद आ रही कि टेस्ट सेंटर लगा लेते हैं. पहले अभी टेस्ट सेंटर देते हैं. सो डे टू का अपडेट ये है बेसिकली कि आज का पेपर बड़ा हार्ड आया था. इट वॉज वेरी फिल्ड विथ क्वाइट अ लॉट ऑफ टिपिकल क्वेश्चंस एंड वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस एंड ऑल्सो कीवर्ड्स चेंज हो चुके हैं. सो इट बिकम्स हार्ड फॉर अस कि सेकेंड डे कैसा होगा. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि जनरली डे वन वॉज वेरी ईजी, यूजअली इट हैपन्स, बट इट डिडंट हैपन टुडे. एक चीज़ और, अभी तो मैं पास्ट ईयर के इंग्लिश पेपर्स कर रहा हूँ लाइक 2006-07, बहुत कम गया हूँ मैं, बट स्टिल ट्राइंग टू गेट बैक दैट क्वेश्चंस. एंड उसके बाद फिर आज का पेपर एक बार सॉल्व करके एंड हाउ देखते हैं यार, लाइक हालत ख़राब है. तो देखो आज का पेपर तो आ चुका है, मतलब ये वाला जो है आज डे वन का पेपर था, सॉल्व है. अब बस मैं ये बैठ के अभी करूँगा. 7:30 बजे शाम के, धूप है बट एज यू नो यूक्रेन की गर्मियाँ 7:30-8:00-9:00 बजे तक के वो रहता है. तो अभी अपन करेंगे बस ये पेपर एंड फिर उसके बाद 2-3 बार इसका रिवीजन, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने के. आज वाला पेपर जो था वो कंप्लीट किया है. एंड द थिंग इज आज वाला पेपर थोड़ा ट्रिकी था, बट उसमें से कीवर्ड हटा दिए गए, बट स्टिल पासेबल पेपर था. ठीक है, और ठीक ठाक ही किया मैंने. मैं वापस से किया पेपर तो. और अभी मैं बताऊँ तुम लोग को, मेरी फट रही 10:30 बजे रात के और अभी पूरा रात बजे पता नहीं कैसे गुजरेगी मेरी रात. So hi guys, finally today is 22nd of May 2024 and finally the day has arrived. और आज ही पेपर है हमारा. एंड कल रात भर हम सोए नहीं है. ठीक है, मैं जग ही रहा था, 1 घंटा भी सोया हूँ. अब देखते हैं, अभी तो पहले मैं जाके चाय बनाता हूँ. सुबह 6 बजे हुए हैं. थोड़ा सा वापस से एक बार को क्या बोलते हैं अपना नोट्स रिवाइज करूँगा
दैट्स ऑल आई कैन डू, क्योंकि लास्ट रात को हमने यूक्रेनियन पेपर कर लिया, दो बार इंग्लिश जो पेपर कल आया था वो भी कर लिया, ठीक है, अब तो सारा ही पेपर कर लिया, अब देखते हैं कैसा होता है भाई, लिटरली मुझे नहीं पता। एंड दिस इज हाउ द मॉर्निंग लुक्स लाइक, यूक्रेन 22nd of May 2024। लुक्स लाइक 29th of May 2024। आने वाले 1-1.5 महीनों में हम लोग इस जगह को बोलते हैं ना हमेशा के लिए बाय कर देंगे। इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्रॉप का रिजल्ट तो आ गया, हम पास हो गए, सब चीज़ें अच्छी सी हो गई ना। मैं रात भर इसलिए भी नहीं सो पाया क्योंकि मेरे दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही हैं। हज़ार चीज़ें ये हैं कि आप आगे ही नेक्स्ट 6 मंथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर, क्योंकि एज यू ऑल नो नेक्स्ट 6 मंथ में वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर लाइफ्स FMG एग्ज़ाम आने वाला है। FMG एग्ज़ाम बोलूँ तो आई बिलीव आई कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी राइट नाउ इज टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वीडियो को तो यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल द 6th ईयर, दोज हु हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियोज एंड ऑल दोज वीडियोज इन माई चैनल, जहाँ पर जैसा समय लगा मैंने वीडियोज बनाई हैं। And yeah, that is all for this video. Thank you for being a part. आगे 2-3 और videos आएंगी Ukraine की और बस Ukraine आ जाएगा।